आपको भी पता है मौत ही आएगा, लेकिन आप झूठ मुड़कर चला जा रहे हो। एक वोट से जिंदगी बीजेपी हार जाएगी, एक वोट से जिंदगी बीजेपी हार जाएगी, लेकिन आएगी मोदी अटल बिहार। वेलकम टू ऑल माय सब्सक्राइबर टू योर वॉइस जयेंद्र ऋषि दिस चैनल। सो गाइस, एक अनभक्त थे, वो अब अनभक्त नहीं रहे, तो उन्होंने बाकी अनभक्तों को क्या जवाब दिया है, तो वो वीडियो लाया हूँ। तो आज बहुत अच्छी वीडियो है, आप लोग देखना जरूर, लास्ट तक जरूर देखना। तब तक अगर आप इस चैनल पे नए आए हो तो क्या कर रहे हो यार, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, बताओ लोगों को फ्री प्रमोशंस के बारे में जो हम दे रहे हैं, और क्राइटेरिया बता देना कि यूट्यूब चैनल होना चाहिए और एक अच्छी वीडियो होनी चाहिए जो गलत चीज़ को प्रमोट नहीं करेगी, हम प्रमोट कर देंगे। डिस्क्रिप्शन में आपको इंस्टाग्राम व्हाट्सअप चैनल का लिंक जाके फॉलो कर दो, व्हाट्सअप चैनल पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, डीएम करो, प्रमोट करवाना है, नहीं भी कराना तो भी डीएम करो भाई, फॉलोअर्स फॉलो करो, ऐसी अपडेट्स वहाँ पे मिलती रहती है। और डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा मेल आईडी मिल जाएगा, उससे भी आप मुझे प्रमोशंस के लिए बात कर सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो। आपको भी पता है मौत ही आएगा, लेकिन आप झूठ मुड़कर चला जा रहे हो। एक वोट से जिंदगी बीजेपी हार जाएगी, एक वोट से जिंदगी बीजेपी हार जाएगी, लेकिन आएगी मोदी अटल बिहारी वाजपेयी। एक वोट से हारा था ये, पूर्ण बहुमत से आए थे और पूर्ण बहुमत से जाएंगे। माला डाल के इनको लेके आए थे और माला डाल के इनको भेजेंगे। तो दोस्तों, आपने कहीं ना कहीं इसको तो देखा ही होगा, ये बीजेपी को सपोर्ट करता था, लेकिन आज इसने पार्टी बदल ली है, आज ये कांग्रेस को सपोर्ट करने लगा है, और कांग्रेस सपोर्ट करते ही इसने इस अंधभक्त को पूरा एक्सपोज भी कर दिया है। आखिर क्या एक्सपोज किया, तो चलिए वीडियो बने रहना है, तो करते हैं वीडियो स्टार्ट। हम 7-8 साल इनका सपोर्ट किया, मैंने 7-8 साल तक इनको सपोर्ट किया, 14 में भी थी, 19 में भी थी, खुद इनकी सपोर्ट करते थे, इनकी रैलियों में भी जाते थे, लेकिन अब नहीं जाएंगे। मोदी जी, आज आपका कार्यकाल ना खत्म हो चुका, 10 साल आप लोगों ने राज कर लिया, 14 में आना तो मोदी को भी है भाई, आपको भी पता है मोदी आएगा, आपको भी पता है मोदी आएगा, लेकिन आप झूठ मुड़कर चला जा रहे हो। एक वोट से जिंदगी बीजेपी हार जाएगी, एक वोट से जिंदगी बीजेपी हार जाएगी, लेकिन आएगी मोदी। आपकी औकात बता रहा हूँ सर, पूरा नहीं मानना सर। जब समय खराब होता ना, तो एक वोट भी बहुत बड़ी बात होती है। अटल बिहारी वाजपेयी एक वोट से हारा था, अटल बिहारी वाजपेयी एक वोट से हारा था, ये होना चाहिए। समय खराब तो पप्पू को चल रहा है, जो सारी दुनिया में गुआप तो। अरे सुनो, इसीलिए तो धूल चटा दी, इसीलिए तो धूल चटा दी, 3-4 राज्य में हार गए, धूल चटा दी, 3-4 राज्य में हार गए। गजब बेइज्जती है। राहुल गांधी थे कर्नाटक, सारी जगह मोदी जाएंगे, सारी जगह धोना। सुनो, धीरे धीरे ये सब जगह से हारेंगे। दो दो सीट आती थी इनका, ऐसा समय था, 2 सीट आती थी लोकसभा में, 2 सीट दोबारा ये फिर वहीं आएंगे। ये पूर्ण बहुमत से आए थे और पूर्ण बहुमत से जाएंगे, पूर्ण बहुमत से। जैम माला डाल के इनको लेके आए थे और माला डाल के इनको भेजेंगे, और मोदी जी कह रहे हैं कि मेरा झोला तैयार है, तो उनका झोला भी चेक किया जाएगा। तो दोस्तों, सो गाइस, जैसे कि आप लोगों ने वीडियो देखा, तो बात करते हैं मेरी ओपिनियन की। तो ओपिनियन ये है कि ठीक है, 10 साल अब बस, इससे ज़्यादा तो नहीं, अब लोगों को भी समझ में आ गया है दैट हिंदू मुस्लिम से जीता नहीं जा सकता बार बार, और अब शायद ना आए बीजेपी, कोई और आएगी और वो ये चीज नहीं करेगी हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, वो एकदम बराबर रहेगी, इसलिए अब लोगों के भी आँख खुल रहे हैं। तो ये था मेरा ओपिनियन, आप लोग अपने ओपिनियन ज़रूर कमेंट बॉक्स में बता देना मुझे, और एक बार इस चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, एक बार जाके चेक करना, सब्सक्राइब कर लेना अगर सच्चाई देखना चाहते हो और अच्छी चीज़ें देखना चाहते हो तो। और इस चैनल को भी लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दो भाई। आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलता हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, अल्लाह हाफिज़।